friends, this is Arj and you are watching Arj Studio. My YouTube channel name is Arj, it's a brand. You can subscribe, you can share it and you can like it. Dost, aaj ka jo apna topic hai, bahut hi ek serious wala topic. Dosto, ye serious wali baat hai, to aisa topic leke aaya hu aapke liye. Topic ka naam hai, why we are start smoking. मतलब हम सिगरेट क्यों पीते, हम क्यों स्मोक करते. दोस्तों स्मोक हम तो क्यों करते हमेशा, आपको कभी थिंकिंग किया नहीं. मतलब स्मोकिंग जो कौन करता है, जिसके पास बहुत पैसा है वो करता है क्या स्मोकिंग, जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं करता स्मोकिंग, ऐसा है क्या? नहीं दोस्तों, स्मोकिंग पैसे पे डिपेंड नहीं होता. मतलब स्मोकिंग क्या है दोस्तों, स्मोकिंग का स्पेलिंग क्या है? SMOKING, स्मोकिंग. थ्री जो वर्ड है पहला निकाल दिया तो क्या बचता है? KING, किंग. किंग दोस्तों, किंग है, आपको पता है किंग क्या है? किंग मतलब पूरा राज जो करता है उसी को किंग कहते हैं. मतलब जो स्मोकिंग करता है वो किंग होता है क्या? नहीं. इसलिए स्मोकिंग करते क्या हम? नहीं. मतलब दोस्तों क्या करते हैं, स्मोकिंग क्यों करते हैं? भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, स्मोकिंग कब से स्टार्ट होता है, क्यों स्टार्ट करते हैं, कभी अपने को पता नहीं चलता. दोस्तों एक रीज़न मैं इतने खुद देखा है, तो एक पहला रीज़न है बेस्ट, तो ज़्यादा तो चालू करता है स्मोकिंग का फ्रेंड्स फोर्स. मतलब दोस्त लोग हमें फोर्स करते, भाई ले जरा ट्राई कर, खाए ट्राई कर, कुछ नहीं होता. मतलब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये स्मोकिंग करने के लिए जो निकोटीन रहता है स्मोकिंग में, वो बहुत ही डेंजरस वाली चीज़ है. मतलब जो हमें फ्रेंड्स ट्राई कर, कुछ नहीं होता, एक बार लिया तो कुछ नहीं होता, ऐसा बोलते वो फ्रेंड्स को हम फ्रेंड्स कहना चाहिए क्या? नहीं. क्या एनिमी कहना चाहिए? आप डिसाइड करो दोस्तों. मतलब एक रीज़न हो गया फ्रेंड्स का फोर्स करता है, एक रीज़न. सेकंड रीज़न क्या होता है दोस्तों? जो कैपेसिटी कंपटीशन, मतलब तू कितना धुआं सिगरेट का कितना दूर तक फेंकता है, मैं कितना धुआं अंदर निकलता है, किधर से बाहर, इधर से, ऐसा कैपेसिटी रहता है दोस्तों. ऐसा है क्या? इसके मतलब कैपेसिटी कौन सा है? कंपटीशन वजह से ही एक स्मोकिंग का जो एक चालू करता है वो फ्रेंड्स चालू करते हैं कंपटीशन की वजह से. मतलब दोस्तों कंपटीशन किस में होना चाहिए, कौन सिगरेट नहीं पीता, कितने सालों से नहीं पीता, उसमें कंपटीशन होना चाहिए. कि ऐसा मतलब दोस्तों समझ लो, एक साल जो स्मोकिंग करता है वो मैड है, जो 5 साल करता है वो बहुत ही मैड है, और 10 साल करता है, 100 साल करता है, तो तुम आप डिसाइड करो उसको क्या बोलो. दोस्तों रीज़न होता है कि कौन सा भी एक स्टाइलिश, एक दोस्त बाइक पे चलाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो स्टाइल मारने के लिए स्मोकिंग करते. मतलब किसी को, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ज़रूरत है क्या स्मोकिंग करने की? नहीं. किसी भी लड़की ऐसा ही नहीं चाहती कि अपना फ्रेंड्स स्मोकिंग करे. मतलब एक स्टाइल की वजह से कूल डूड बनना है तो स्मोकिंग करते, ऐसा भी कुछ नहीं. मतलब एक दूसरा रीज़न होता है डिप्रेशन, जब आता है तभी स्मोकिंग करते. दोस्तों डिप्रेशन जब आता है तभी स्मोकिंग करने की ज़रूरत. मतलब हम क्यों स्मोकिंग करते हैं हमें भी पता नहीं खुद को, हम क्यों स्मोकिंग करते. दोस्तों अभी क्या होता है, बहुत स्ट्रेन चल रहा है, एक ब्रेकअप हो गया तभी भी स्मोकिंग करता है, ये रीज़न है क्या कोई? नहीं. मतलब ये थोड़ा बहुत रीज़न है. जब फिल्म देखते हैं हीरो लोग एक्ट्रेस जो स्मोकिंग करते हैं, तो उधर टीवी में दिखाता है स्मोकिंग एक डेंजरस थिंग है. मतलब लिखा होता है तभी भी हम जो उस हीरो एक्टर स्मोकिंग करता है हम क्यों नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? मतलब ऐसे की वजह से भी एक रीज़न होता है कि हम स्मोकिंग स्टार्ट करते. मतलब रियल हीरो बनना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, खुद को स्मोकिंग मतलब ये चीज़ नहीं करना होगा.